प्यार के टुकड़े, कमल और मोना की अधूरी कहानी। दिल्ली की चहल पहल वाली गली में रहता था कमल, नर्म स्वभाव का लड़का जिसकी आंखों में सपनों की चमक और होठों पर गीत छिपे रहते थे। उसी गली में मोना हंसमुख और खिली खिली सी गुजरती, जिसकी हंसी घंटियों की झंकार जैसी लगती थी। एक पल आंखें मिली, मुस्कुराहटें छूकर चली और कमल मोना की प्रेम कहानी लिखी जाने लगी। उनके दिन चाय की चुस्की के साथ गपशप में, छत पर चांदनी को ताकते हुए और पुरानी फिल्मों के गानों में खोकर बीतते। किताबों के पन्नों को साथ मोड़ना, कविताएं सुनाना और भविष्य के सपने बुनना उनकी शामों का हिस्सा बन गए। मोना की हंसी कमल के लिए नैवेद्य थी तो कमल का शब्द चित्र मोना के दिल का कोना था। लेकिन हर प्रेम कहानी को खुशियों की स्याही में ही नहीं लिखा जाता। कमल गरीब घर का था, पिता की दुकान चलाना उसका कर्तव्य था। वहीं मोना के पिता एक रसूखदार व्यापारी जो बेटी के हाथों में सिर्फ सोना ही देखना चाहते थे। उनकी नजरों में कमल सिर्फ एक छाया था जो मोना के भविष्य को अंधकार में डाल देगा। समाज की दीवारें उनके बीच खड़ी हो गईं, फुसफुसाहटें तीखे तीर बनकर चुभने लगीं। मोना के घर का माहौल बदला, हर शाम की चाय में कड़वाहट घुलने लगी। आखिरकार एक तूफानी रात में प्यार की नाव तूफान में फंस गई। कमल, प्यार सिर छिपाने की छत नहीं बन सकता, मोना की आवाज कांप रही थी। मुझे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना है। कमल का दिल चकनाचूर हो गया था। उसे पता था वह मोना को खुशहाली नहीं दे सकता। उनकी प्रेम कहानी को समाप्ति का दर्दनाक अध्याय लिखना ही पड़ा। उनकी विदाई बिना आंसुओं के हुई, सिर्फ दो टूटे दिलों की धड़कन की आवाज थी। उन्होंने एक दूसरे को मुक्त किया, प्यार के बंधन को खोलते हुए। कमल फिर से दुकान पर लौट आया, पर उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। मोना भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी, पर उसके चेहरे पर कभी कभी एक लुप्त खुशी की तलाश लहर सी बनकर गुजरती। कमल और मोना की प्रेम कहानी अधूरी रह गई, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार का टुकड़ा हमेशा जिंदा रहेगा। एक अधूरा गीत जिसे पूरा करने की जरूरत नहीं, बस उसकी खूबसूरती को जहन में बसा लेने की जरूरत है। अंत इस कहानी में प्यार की त्रासदी को दिखाया गया है, जहां परिस्थितियां दो प्यार करने वालों को अलग कर देती हैं। कमल और मोना का अधूरा प्रेम उन सभी को याद दिलाता है कि प्यार हमेशा खुशियों का ही सफर नहीं होता, कभी कभी यह दर्द और त्याग का भी होता है। परंतु सच्चे प्यार की खूबसूरती यही है कि वह दिलों में हमेशा जिंदा रहता है, भले ही जिंदगी के रास्ते अलग अलग हो जाएं। बहुत सारी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर जल्दी उपस्थित होंगे। चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।